हेलो गाइस एंड वेलकम टू द साइंस फ्रीक। आज मैं एक ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमारे लिए अच्छी भी है और बहुत ज़्यादा बुरी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी। हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक नैनोबॉट टेक्नोलॉजी के बारे में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। नैनोबॉट टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम मूवीज़ में देखते आए हैं। मार्वल की मूवीज़ में आयरन मैन के लेटेस्ट सूट में नैनोबॉट टेक्नोलॉजी दिखाई गई है। वही नैनोबॉट टेक्नोलॉजी को अगर हम लेटेस्ट थियोरी के हिसाब से, कैलकुलेशंस वगैरह के हिसाब से अगर प्रूव कर देते हैं तो क्या हो सकता है। फिर उसके बाद हमें कोई भी स्पेसिफिक गाड़ियाँ या फिर कोई भी स्पेसिफिक चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो, ऐसी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास एक ऐसे नैनोबॉट्स होंगे जो खुद ही उन चीज़ों को डिज़ाइन या मैन्युफैक्चर करने को सक्षम होंगे। यानी कि उन नैनोबॉट्स के ज़रिए हम एक पेन से मोबाइल, मोबाइल से लेज़र पेन और अगेन टॉर्च, एवरीथिंग सब कुछ बना सकते हैं, एक गाड़ी भी बना सकते हैं। और इसी हिसाब से अगर चलाए तो हम बड़ी आसानी से उससे एक चैट इंजन तक बना सकते हैं, जैसे कि टोनी स्टार्क ने अपने सूट्स में लगाया हुआ था। उसी तरह सूट्स के आर्क रिएक्टर्स में भी नैनोबॉट टेक्नोलॉजी को इम्प्लाई किया था। उसी तरह से हम हर जगह टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर जैसी भी जैसा छोटा सा रिएक्टर बनाने के लिए भी सक्षम हो जाएंगे। और अगर आगे की बात करें तो नैनोबॉट टेक्नोलॉजी हमारे लिए इतनी यूज़फुल होगी कि हमारे सारी चीज़ों का तोड़ हमें नैनोबॉट्स में ही मिल जाएगा। छोटी से छोटी ज़रूरियात हमारी ये नैनोबॉट्स पूरी कर देगी। फिर हमें एक बैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस एक टैबलेट चाहिए जो कभी भी बैग में हो सकता है या फिर हमारे रिस्ट बैंड में भी आ सकता है या फिर एक फ़ोन भी में भी कन्वर्ट हो सकता है। हमारे पास ऐसे कपड़े होंगे जिनको हम आसानी से बदल सकते हैं, यानी कि उनकी डिज़ाइन और उनका सब कुछ बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। और यही है स्पेसिफिक नैनोबॉट टेक्नोलॉजी। बेसिकली नैनोबॉट टेक्नोलॉजी को आयरन मैन पिक्चर में थोड़ा आधा स्वरूप दिखाया गया है। नैनोबॉट टेक्नोलॉजी यानी ऐसी टेक्नोलॉजी कि हम उसके एक नैनोबॉट्स के एक ग्रुप के ज़रिए कोई भी मटेरियल्स को आसानी से फॉर्म कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज से भी हमें अच्छी हमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देता हो, पर उसके अंदर जो एनर्जी लॉसेस होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो। और इस टाइप से हम प्रॉपर्टीज़ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। यानी कि इसके ज़रिए हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे टोनी स्टार्क के पास जो छोटा सा आर्क रिएक्टर था, उस टाइप का आर्क रिएक्टर भी हम इस टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। सो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी अगर प्रूव हो जाती है तो हमें कोई गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें बस किसी स्पेसिफिक नैनोबॉट शॉप में जाके बोलना होगा कि मुझे इतने नैनोबॉट्स चाहिए। उस नैनोबॉट्स को हम एक कार के शेप में डिज़ाइन करके हम एक कोई भी कार बना सकते हैं, इवन रोल्स रॉयस तक भी बना सकते हैं। पर ऐसी टेक्नोलॉजी प्रूव हो जाने के बाद कुछ लॉज ऐसे भी आ सकते हैं कि भाई तुम इसके ज़रिए ये चीज़ें नहीं बना सकते, इट विल बी प्रॉपरली बैन। एंड इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है क्योंकि हम नैनोबॉट्स टेक्नोलॉजी में फुल्ली फ्रीडम मिलती है तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि हम कुछ भी इसमें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ख़तरनाक हथियार भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जिसके सिर्फ एक बुलेट से ही पूरा इंसान जल के राख हो सकता है या पूरा इंसान ख़त्म हो सकता है और इंसानियत खतरे में भी पड़ सकती है। सो ये होती है स्पेसिफिक नैनोबॉट टेक्नोलॉजी की इल्यूस्ट्रेशन।
अभी मैंने पहले बात की थी कि भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई कहाँ से? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो एक नैनोबॉट के अंदर इतनी समझ होती है कि उसको किस मटेरियल को बनाना है तो किस तरह से बॉन्ड बनाना होगा, और उस हिसाब से बॉन्ड बनाने के लिए उसको किस तरह से दूसरे नैनोबॉट्स के साथ जुड़ना होगा। तो इसके ज़रिए वो खुद ब खुद ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये प्रॉपर्टीज चाहिए और इस टाइप का मटेरियल चाहिए, तो मुझे इस तरह से जुड़ना होगा तो मैं ईजीली ये चीज़ बना पाऊँगा। यानी कि उसके अंदर खुद के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, जो कि लिमिटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। अगर मैं एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो हमें हाल ही में नए आए हुए स्पाइडरमैन फार होम अवे में दिखाई गई है। अगर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैटेलाइट लेवल तक पहुँचाई गई है। यानी कि वो कोई भी अगर उसको गलत हाथों में एक्सेस आ गया तो इस दुनिया का अंत एक ही झटके में कर सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो क्या बात करूँ, हमें आगे भी कहीं ऐसे मूवीज़ दिखाए गए हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलत राह पे चली जाती है और प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स मूवी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस लेवल तक चली गई थी कि उसने इंसानों को ही बंदी बना लिया था। और यही प्रॉब्लम है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा दिमाग वाली हो जाती है तो हो सकता है कि वो इंसान की भलाई की जगह इंसान को ही ख़त्म करके खुद का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करे। क्योंकि आखिर हमें भगवान ने बनाया है और भगवान में भी वर्चस्व का वो रहता था, तो हमारे अंदर भी वो वर्चस्व का वो जो एक DNA का जो है वो रहता है। तो अगर हम कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं और तो वो हमें बहुत हार्मफुल हो सकता है, उसके चांसेस हो गए। क्योंकि वो जो भी सीखेगा हमसे ही सीखेगा, जो भी कुछ सुनेगा करेगा या जैसे भी करेगा हमारे जैसे ही करने की कोशिश करेगा, और इंसान भी जैसा ही बनने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डुप्लीकेट इंसान यानी कि क्लोन इंसान ईजीली बनाने में और सस्ते बनाने में सक्षम हो जाए, बट यही चीज़ के ज़रिए हमारे मौत भी हो सकती है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको हमारे क्लोन के जगह प्लेस कर सकता है और उसके और फिर हम जैसे उसको कमांड देते थे, हो सकता है कि वो क्लोन को कमांड देने लगे और धीरे धीरे इस पूरी दुनिया पे भी राज करने का सपना। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो टेक्नोलॉजी के चीज़ में मुझे लगा कि मुझे आपको वाकिफ़ करवाना चाहिए और ज़रूरी समझा, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।